जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, हमें जब भी भगवान की भक्ति करनी हो या किसी की सेवा करनी हो तो निस्वार्थ भाव से सेवा और भक्ति करनी चाहिए, ना कि स्वार्थ भाव से। प्रिय भक्तगणों, पवित्र सदग्रंथों में लिखा है कि प्राणी अपनी भक्ति तथा पुण्यों के बल से स्वर्ग महास्वर्ग में जाता है, वहाँ इसे सर्व सुख प्राप्त होता है। जिसके समय भक्ति तथा पुण्य क्षीण समाप्त हो जाते हैं तो वह प्राणी पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाता है। वर्तमान में जितने भी प्राणी पृथ्वी पर हैं इनको यहाँ कोई सुख नहीं है, अन्य प्राणी केवल अपना कर्म भोग ही भोगते हैं। तो आज की हमारी कहानी का प्रसंग है सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ी निस्वार्थ भक्ति। ठाकुर जी की सेवा में अहंकार नहीं, विनम्रता रखनी चाहिए। एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था, हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख ऐसो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था, जहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज आपके हाथ में यह क्या है? देव बोले, राजन यह हमारा वही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं। राजा ने निराशा युक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देव महाराज किताब का एक एक पृष्ठ उलटने लगी, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानी सी उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना लिए, दूसरों की सेवा करने में लग गई। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था और यह पहली वाली से काफ़ी छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज आज कौन सा वही खाता आपने हाथों में लिया हुआ है? देव ने कहा, राजन आज के वही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग, निश्चय ही वे दिन रात भगवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? देव महाराज ने वही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। देव ने कहा, राजन इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्मल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। हे राजन तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा, कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगी। राजन भगवान दीन दयालु हैं, उन्हें खुशामत नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो। अनाथ विधवा किसान व निर्धन आज अत्याचारियों से सताए जाते हैं, इनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो और यही परम भक्ति है।
देव बोले, हे राजन, मैं तुम्हें एक ऐसी ही कथा सुनाता हूँ, तुम्हें इस कहानी से सब कुछ समझ आ जाएगा। ठाकुर जी की सेवा में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि विनम्रता रखनी चाहिए। एक गांव में कमल किशोर नाम का एक व्यक्ति रहता था। कमल किशोर सोने एवं हीरे जवाहरात बनाने एवं बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी कमल किशोर की दुकान से गहने लेने एवं बनवाने आते थे। चाहे हाथों के कंगन हों, चाहे गले का हार हो, चाहे कानों के कुंडल हों, उसमें हीरे एवं सोने की बहुत सुंदर कारीगरी होती कि सब देखने वाले देखते ही रह जाते। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी कमल किशोर बहुत ही शांत एवं सरल स्वभाव वाला व्यक्ति था। उसको इस माया का इतना रंग नहीं चढ़ा हुआ था। एक दिन उसका कोई मित्र उसकी दुकान पर आया, जो कि अपनी पत्नी सहित वृंदावन धाम से होकर वापस आ रहा था। तो उस मित्र ने सोचा कि चलो थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र कमल किशोर को भी दे देता हूँ। उसकी दुकान पर जब वह पहुँचा, तब कमल किशोर का एक कारीगर एक सोने एवं हीरे जड़ित बहुत ही सुंदर हार बनाकर कमल किशोर को देने के लिए आया था। कमल किशोर उस हार को देख ही रहा था कि उसका मित्र उसकी दुकान पर पहुंचा। कमल किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से एक बहुत सुंदर लड्डू गोपाल, जिसका स्वरूप अत्यंत मनमोहक था, साथ लेकर आया था। जब उसका मित्र दुकान पर बैठा तो उसकी गोद में लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी के मनमोहक रूप सौंदर्य को देखकर अत्यंत आनंदित हुआ। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हार उस लड्डू गोपाल के गले में पहना दिया एवं अपने मित्र से कहने लगा कि देखो तो सही, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। उसका मित्र एवं कमल किशोर आपस में बातें करने लगे। बातों बातों में ही उसका मित्र लड्डू गोपाल को हार सहित लेकर चला गया। दोनों को ही पता ना चला कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही पड़ा रह गया है। कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी सहित एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर को रवाना हो गया। जब वह टैक्सी से उतरे तो भूलवश लड्डू गोपाल जी उसी टैक्सी में रह गए। टैक्सी वाला एक गरीब आदमी था, जिसका नाम बाबू था, जो कि दूसरे शहर से यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था एवं वह टैक्सी लेकर काफ़ी आगे निकल चुका था। आज उसको अपने घर वापस जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब टैक्सी लेकर बाबू अपने घर पहुँचा तो उसने जब अपनी टैक्सी की पिछली सीट पर देखा तो उसका ध्यान लड्डू गोपाल जी पर पड़ा, जो कि बड़े शाही तरीके से पिछली सीट पर गले में हार धारण करके सुंदर सी पोशाक पहनकर हाथ में बांसुरी पकड़े हुए पसर कर बैठे हुए थे। बाबू यह देखकर एकदम से घबरा गया कि यह लड्डू गोपाल जी किसके हैं। लेकिन अब वह दूसरे शहर में अपने शहर जा चुका था, जो कि काफ़ी दूर था एवं वह सवारी का घर भी नहीं जानता था। तो वह दुविधा में पड़ गया कि वह क्या करें। लेकिन फिर उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया एवं अपने घर के अंदर ले गया। जैसे ही उसने घर के अंदर प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने उसके हाथ में पकड़े लड्डू गोपाल जी को जब देखा तो इतनी सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल जी को देखकर उसकी पत्नी ने झट से लड्डू गोपाल जी को अपने पति के हाथों से ले लिया। उसकी पत्नी, जिसकी 8 साल शादी हो चुकी थी, उसके अभी तक कोई संतान नहीं थी, लेकिन गोपाल जी को हाथ में लेते ही उसका वात्सल्य भाव जाग उठा। उसकी ममताई एवं करुणामयी आंखें झरझर बहने लगीं। ममतावश एवं वात्सल्य भाव के कारण ठाकुर जी को गोद में उठाते ही उसको ऐसे लगा उसने किसी अपने ही बच्चे को गोद में उठाया है। उसके स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगा। अपनी ऐसी दशा देखकर बाबू की पत्नी मालती बहुत हैरान हुई। उसने कसकर गोपाल जी को अपने सीने से लगा लिया एवं आंखों से आंसू बहाते बोलने लगी, अरे बाबू, तुम नहीं जानते कि आज तुम मेरे लिए कितना अमूल्य रत्न लेकर आए हो।
बाबू कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेरी पत्नी को अचानक से क्या हो गया है, लेकिन उसकी पत्नी तो जैसे बावरी सी हो गई थी। वह गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर से ले गई एवं उससे बातें करने लगी। अरे लाला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी, एवं उसने जल्दी जल्दी मधु एवं घी से बनी चूरी बनाकर एवं दूध गर्म करके ठाकुर जी को भोग लगाया। उधर कमल किशोर ने जब अपनी दुकान पर हार को ना देखा तो उसको याद आया कि हार तो ठाकुर जी के गले में ही रह गया है, तो उसने अपने मित्र को संदेशा भेजा। तो मित्र ने आगे से जवाब दिया, अरे मित्र, वह माखन चोर एवं चित चोर हार सहित खुद भी चोरी हो गया है, मैं तो खुद इतना परेशान हूँ। कमल किशोर अब थोड़ा सा परेशान हो गया कि इतना कीमती हार ना जाने कहाँ चला गया, मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया। लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण उसने अपने मित्र को कुछ नहीं कहा एवं उसने अपने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के ही अंग लगा है, अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रखें। उधर बाबू एवं उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते, अब तो मालती एवं बाबू को लड्डू गोपाल जी अपने बेटे जैसे ही लगने लगे। लड्डू गोपाल जी की कृपा से अब मालती के घर एक बहुत ही सुंदर बेटी ने जन्म लिया। इन सब बातों का श्रेय वह लड्डू गोपाल जी को ही देते थे कि यह हमारा बेटा है एवं अब हमारी बेटी हुई है, अब हमारा परिवार पूरा हो गया। मालती लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करती थी कि रात को उठ उठ कर देखने जाती थी कि लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं है। ऐसे ही एक दिन कमल किशोर को व्यापार के सिलसिले से दूसरे शहर आना पड़ा, यहाँ पर बाबू रहता था। लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो उस शहर में पहुँचा तो अचानक से इतनी बारिश शुरू हो गई कि कमल किशोर को जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच ना सका, एवं तब वहाँ बाबू अपनी टैक्सी लेकर आ गया एवं उसने परेशान कमल किशोर को पूछा, बाबूजी आप यहाँ क्यों खड़े हो, बारिश तो रुकने वाली नहीं है एवं सारे शहर में पानी भरा हुआ है, आप अपनी मंजिल तक ना पहुँच पाओगे एवं ना ही कहीं रुक पाओगे, मेरा घर पास में ही है, अगर आप चाहो तो मेरे घर आ सकते हो। कमल किशोर जिसके पास सोने एवं हीरे के काफ़ी गहने थे, वह अनजान टैक्सी वाले के साथ जाने के लिए थोड़ा सा घबरा रहा था, लेकिन उसके पास एवं कोई चारा भी ना था एवं वह बाबू के घर उसके साथ टैक्सी में बैठकर चला गया। घर पहुंचते ही बाबू ने मालती को आवाज़ दी कि आज हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाऊं। कमल किशोर ने देखा कि बाबू का घर एक बहुत छोटा सा लेकिन व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ है, घर में अजीब तरह के इत्र की खुशबू आ रही है जो कि उसके हृदय को आनंदित कर रही थी। जब मालती ने उनको भोजन परोसा तो कमल किशोर को उसमें अमृत जैसा स्वाद आया, उसका ध्यान बार बार उस दिशा की तरफ जा रहा था जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान थे, वहाँ से उसको एक अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। तो हार कर कमल किशोर ने बाबू को पूछा कि अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या आप बता सकते हो कि उस दिशा में क्या रखा है, मेरा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो बाबू एवं मालती ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए कहा कि वहाँ पर तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। तो कमल किशोर ने कहा, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ। तो मालती उनको उस कोने में ले गई जहाँ पर लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी को एवं उनके गले में पड़े हार को देखकर एकदम से हैरान हो गया, यह तो वही लड्डू गोपाल हैं एवं यह वही हार है जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल जी को डाला था। कमल किशोर ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि यह गोपाल जी तुम कहाँ से लाए। बाबू जिसके मन में कोई छल कपट नहीं था उसने कमल किशोर को सारी बात बता दी कि कैसे उसको सौभाग्य से गोपाल जी मिले एवं उनके हमारे घर आने से हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। तो कमल किशोर ने कहा, क्या तुम जानते हो कि जो हार ठाकुर जी के गले में पड़ा है उसकी कीमत क्या है। तो बाबू एवं मालती ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि जो चीज़ हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग गई हम उसका मूल्य नहीं जानना चाहते एवं हमारे लाला के सामने
किसी चीज किसी हार का कोई मोल नहीं, तो कमल किशोर एकदम से चुप हो गया एवं उसने मन में सोचा कि चलो अच्छा है, मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग लगाया हुआ है। अगले दिन जब वह चलने को तैयार हुआ एवं बाबू उनको टैक्सी में लेकर उनकी मंजिल तक पहुंचाने लगा, जब कमल किशोर टैक्सी से उतरा एवं जाने लगा तभी बाबू ने उनको आवाज़ लगाई कि जरा रुको, यह आपका कोई सामान हमारी टैक्सी में रह गया है। लेकिन कमल किशोर ने कहा मैंने तो वहाँ कुछ नहीं रखा। लेकिन बाबू ने कहा कि यह बैग तो आपका ही है। जब कमल किशोर ने उसको खोल कर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। कमल किशोर एकदम से हक्का बक्का रह गया कि यह तो इतने पैसे हैं जितने की उस हार की कीमत है। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया हुआ था तब तक उन्होंने पहने रखा, मैंने उनको पैसे का सुनाया तो उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए मुझे पैसे दे दिए। वह ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगा लेकिन अब हो भी क्या सकता था। इसलिए हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए कि उसमें अहंकार न होकर विनम्रता होनी चाहिए एवं ठाकुर जी जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है, तुम तो निमित्त मात्र हैं। कौन ठाकुर जी को वृंदावन से लाया एवं किसके घर आकर वह विराजमान हुए यह सब ठाकुर जी की लीला है। जिसके घर रहना है जिसके घर सेवा लेनी है यह सभी जानते हैं, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, बस हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ नहीं, निस्वार्थ भक्ति और निस्वार्थ सेवा से बड़ा कुछ नहीं, और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। मित्रों, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। हमारे पूर्वजों ने कहा भी है परोपकाराय पुण्याय भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप भी ऐसा करेंगे तो स्वतः ही आप वह ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भगवान श्री कृष्ण आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण।